<laughs> said Yaya Bukhari, president of JMUF, said in New Delhi today that rather than focusing on Shazia Elmi's statement, the community ought to ponder over the statements and speeches of Safran Brigade leaders, which were far more controversial. President of the Jama Masjid United Front said in New Delhi today that the community ought to attach more importance to the inflammatory speeches of the VHP leaders before which Ilmi's statement pales into insignificance. पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि शाजिया इल्मी के ही इस बयान को क्यों उसको उस पर इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है इसी के बयान के ऊपर क्यों इतना इसको पकड़ा इससे पहले के भी तो बयान आप देखिए ना आप अमित शाह ने क्या कहा मुसलमानों के ताल्लुक से उस पर तो कोई बाबिल्ला किसी ने नहीं मचाया गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्यों चले जाएँ पाकिस्तान भाई हमारा हक है हिंदुस्तान में रहना हम हिंदुस्तान से क्यों चले जाएं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे बराबर की हिस्सेदारी है तीसरी तीसरा बयान तो गड़िया का कि हिंदू एरिया से निकल जाए मुसलमान तो ये क्या कम्युनलिज्म नहीं है ये तो असल कम्युनल जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो मुझे गिरिराज सिंह के अमित शाह के और तोगड़िया के और कामत के स्टेटमेंट्स में नज़र आते हैं

तो गलत है लेकिन अगर आप पूरा सुने शाजिया कहना क्या चाह रही है उसमें शाजिया ने खुले तौर पर ये कहा है उसमें कि यानी मुसलमान जो आएं, वो आए आगे बढ़े और केजरीवाल को वोट कास्ट करें तो यहां कम्युनलिज्म कहां रह जाता है कहां कम्युनलिज्म की बात यहां रह जाती है अगर कम्युनलिज्म अगर मुसलमान कम्युनल होगा तो केजरीवाल को वोट क्यों कास्ट करेगा किसी मुसलमान को वोट कास्ट करेगा अपना किसी मुस्लिम पार्टी को वोट कास्ट करेगा तो शाजिया जो कहना चाह रही है वो गलत नहीं है लेकिन जो अल्फाज हैं वो गलत हैं शाजिया के just as it had happened in the case of बाई Madani. आप महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट लीजिए देखिए माफ कीजिएगा मीडिया का भी इसमें बड़ा अहम रोल होता है महमूद मदनी साहब के बारे में मीडिया ने यह कहा कि उनका झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ है अगर आप पूरा स्टेटमेंट सुने, मैंने सुना उस पूरे स्टेटमेंट को उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है सब खाली एक लाइन ले ली लेकिन उसके आगे का भी सुनिए आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है सजा मिलनी चाहिए तो कम से कम पूरे स्टेटमेंट को देखिए उस पर एक एक शब्द पर गौर करिए तो मुझे नहीं लगता ना तो महमूद मदनी साहब ने मोदी के फेवर में कुछ कहा है शाजिया इलमी जो कहना चाह रही हैं वो गलत नहीं है अलबत्ता अल्फाज जरूर उसमें गलत है